नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अस्थमा में परहेज जाने क्या न खाएं के बारे में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल डनके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। अस्थमा फेफड़ों में हवा के मार्गों की एक पुरानी बीमारी है। अस्थमा विशेषज्ञों का मानना है कि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन अस्थमा का कारण है। अस्थमा के कारणों में परिवार के इतिहास, बचपन में वायरल संक्रमण, शहरी क्षेत्रों में रहना आदि शामिल है। वैसे अस्थमा में परहेज करके इस बीमारी को कंट्रोल में किया जा सकता है। अस्थमा के विकास के जोखिमों को बढ़ाने के लिए कई कारक हैं। इसमें शामिल है वायरल श्वसन संक्रमण, स्मोकिंग, मोटापा, वायु प्रदूषण, धूल और जहरीले रसायन से एलर्जी और परिवार का इतिहास है। वैसे अस्थमा का होना कई तरह से संभव है, लेकिन आज इस लेख हम आपको बताएंगे उन आहारों के बारे में जिसे अस्थमा रोगी को परहेज करना चाहिए। अस्थमा रोगी करे परहेज। खाद्य एलर्जी। कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद खाद्य या एलर्जी के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। अमेरिकी परिवार अकादमी के अनुसार अमेरिकी वयस्कों के लगभग 2% और 6% बच्चों में एलर्जी का यह प्रकार है। तकनीकी रूप से किसी भी भोजन से एलर्जी हो सकती है। हालांकि सबसे अधिक एलर्जी कारक खाद्य पदार्थ सोया, सेम, अंडे, दूध, गेहूं, मछली, शेलफिश, मूंगफली और ट्री नट हैं। भोजन के लिए एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाओं के लक्षण भिन्न होते हैं। जबकि पित्त और चिकित्ते आम प्रतिक्रियाएं हैं, आपको अस्थमा के समान घरघराहट भी हो सकती है। क्लीवलैंड क्लिनिक से पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों में भोजन एलर्जी से अस्थमा के लक्षण सबसे आम हैं। डिब्बा बंद फल। अस्थमा वाला कोई भी मरीज जो सल्फाइड के प्रति संवेदनशील होता है, उन्हें लाल चेरी खाने से बचना चाहिए। डिब्बा बंद फल और बोतल बंद फलों के रस अस्थमा के लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG। मोनोसोडियम ग्लूटामेट दमा या अस्थमा के हमलों को ट्रिगर करने के लिए जाना जाता है। अस्थमा के मरीज को मोनोसोडियम ग्लूटामेट का सेवन नहीं करना चाहिए। यह चीनी खाद्य पदार्थों और पैक और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में काफी मात्रा में पाया जाता है। चाइनीज फूड बनाने में इस्तेमाल होने वाला MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। सल्फेटेस ये अस्थमा बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। सल्फेटेस वाइन, सूखे हुए खाद्य पदार्थ, अचार, जमी हुई चिनराट में पाए जाते हैं। अस्थमा के मरीजों को इन खाद्य पदार्थों के खाने से बचना चाहिए। नमक की कम मात्रा। यदि आप अस्थमा के मरीज हैं तो आपको कम से कम नमक का सेवन करना चाहिए। नमक का उच्च सेवन बच्चों में अस्थमा के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसलिए जहां तक संभव हो बच्चों को नमकीन और पैक किए गए खाद्य पदार्थ खाने से रोकना चाहिए। इसके अलावा शोध से पता चला है कि नमक सेवन में कमी से अस्थमा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।